अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GDL Mentor। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, हम लोग पहले देख चुके हैं कि आईड्रॉपर के साथ आप किस तरह कोई भी कलर को आप पिक करते हैं और उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अब आईड्रॉपर के कुछ मजीद प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हमारे पास आईड्रॉपर टूल है, हम लोग इसको पिक करते हैं टूल बॉक्स में से। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे ऊपर के, पॉइंट सिंपल क्या है और आगे करंट लेयर, करंट एंड बिलो ऑल लेयर्स ये क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। अभी हम इसको ऑल लेयर्स पे करते हैं। ऑल लेयर्स का मतलब क्या है, आपके पास ये जितना भी काम किया, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम जितना भी काम करेंगे वो एक एक लेयर के ऊपर हमारा काम होगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ लेयर्स बनी है, ये सारा काम अलग अलग लेयर्स के ऊपर है। अब मेरे पास लेयर वन के अंदर है सर्कल, ये वाला येलो। अब मैंने कलर इसका पिक किया, येलो आ रहा है, इसका किया पिंक का तो पिंक कलर आ रहा है यहाँ पे आपके कलर बॉक्स के अंदर आप देखें, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया तो ऑरेंज कलर आ रहा है हमारे पास। अब मैं यहाँ से ऑल लेयर को मैं इसको कर देता हूँ करंट लेयर। करंट लेयर कौन सी, मैंने जिसको सिलेक्ट किया, मैं लेयर जीरो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अब लेयर जीरो का कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ तो वाइट आ गया आप यहाँ पे देखें, और अगर मैं इसको ऑरेंज करता हूँ तो ऑरेंज आता जा रहा है, क्लियर। अब मैंने लेयर वन को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा येलो कलर आ रहा है, ठीक है। अब मैं लेयर बैकग्राउंड लेयर जीरो जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कोई कलर मेरा नहीं सिलेक्ट हो रहा, ना तो पिंक, ना ब्लू, ना मेरा ऑरेंज, कोई कलर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिर्फ मेरी करंट लेयर एक्टिवेट है, लेयर वन, उसका ही कलर हम पिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, करंट एंड बिलो। अब इसका फंक्शन क्या है, करंट का मतलब है हमारी जो मौजूदा लेयर सिलेक्टेड है कौन सी है, वो येलो है। अगर मैं पिंक को करूंगा तो पिंक हमारी सिलेक्टेड नहीं हो रही, पिंक की जगह पर हमारा ऑरेंज सिलेक्ट हो रहा आप देख सकते हैं। अगर मैं किसी और जगह पे क्लिक करूंगा तो मेरी ऑरेंज सिलेक्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारी बिलो कौन सी है, जीरो लेयर है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पिंक कलर को, पिंक के नीचे कौन सी है, लेयर टू, लेयर टू कौन सी है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर। अगर मैं पिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो करंट लेयर मेरी पिंक है, मैं ब्लू पे कर रहा हूँ तो ब्लू हमारी सिलेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया आपको कि ऊपर वाली लेयर और उसके नीचे वाली लेयर हमारी सिर्फ सिलेक्ट हो सकती है करंट एंड बिलो के अंदर। ऑल लेयर्स में कौन सा है, हमारी सारी की सारी लेयर सिलेक्ट होती है। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास सैंपल साइज के अंदर क्या है, ये 3x3 एवरेज क्या है, 5x5 एवरेज क्या है, ये इसके ऊपर हम देखते हैं। 3x3 एवरेज किया, अब पिक्चर को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने अब पिक्चर को काफी ज्यादा जूम कर लिया हुआ है, ये एक एक पिक्सल है, जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये पिक्सल्स हैं मेरे, कोई भी पिक्सल के अंदर सिलेक्ट करूंगा वो कलर आ रहा है। सिंपल पॉइंट किया मैंने तो सेम येलो कलर, जो आपको कलर नजर आ रहा है सेम वही कलर आपका पिक होता जा रहा है इस जगह पे, हमारे बॉक्स के अंदर जो है हमारा सेट फॉरग्राउंड कलर, उसके अंदर हमारे कलर्स आते रहते हैं जो हम पिक कर रहे हैं। मैंने इसको कर दिया 3x3 एवरेज। अब एवरेज कलर में क्या है, अब आप यहाँ पे देखें कलर क्या है, थोड़ा सा येलो और ऑरेंज मिक्स हो रहा है, तो कलर हमारा कौन सा आ रहा है, येलो ऑरेंज नहीं आ रहा, हमारा थोड़ा डार्क ऑरेंज शेड ज़्यादा बीच में आ रहा है सेट फॉरग्राउंड कलर के अंदर। उसकी वजह ये है गाइस, जहाँ मैंने क्लिक किया मेरा सेंटर पॉइंट क्या है, ये 3x3 की एवरेज क्या ले रहा है, वो उसको एवरेज ले रहा है तीन हिस्से राइट पे, तीन हिस्से लेफ्ट पे, सारे कलर्स को आपस में क्लोज, जो उसके 3x3 कलर्स हैं, मतलब उसके तीन हिस्से राइट, तीन हिस्से लेफ्ट, अप एंड डाउन, इन सारे कलर्स को मिक्स करके जो कलर निकलेगा वो उसको सिलेक्ट कर रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ कि जो कलर, अब जैसे हमारे पास 5x5 की एवरेज है, अब 5x5 की एवरेज के अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कलर सिलेक्ट किया मैंने ऑरेंज, यहाँ पे कर रहा हूँ तो सेम वही कलर आ रहा है, लेकिन अब आप देखें यहाँ पे अगर मैंने किया तो ऑरेंज ज़्यादा आ रहा है, येलो के यहाँ पे करूँगा तो येलो का शेड ज़्यादा डार्क हो रहा है, क्यों, ऑरेंज येलो मिक्स हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह हमारे पास सिंपल ये है कि 5x5 की एवरेज हमारे पास आ रही है, कि ये मेरा सेंटर पॉइंट 1, 2, ये तीसरा मैं सेंटर पॉइंट है, 4, 5, यानी 5 हिस्से ऊपर नीचे वो सारा कलर कंबाइन करके जो आपके पास कलर निकलेगा वो उसको सिलेक्ट कर रहा है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया हुआ है। सो आगे चलते हैं, हम लोग इसको 101 बाय 101 एवरेज करते हैं, ठीक है, 101 बाय 101। अब यहाँ कलर सिलेक्ट करें, कौन सा कलर है गाइस, ऑरेंज टाइप आ रहा है, येलो ज़्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन मैं कलर कौन सा ले रहा हूँ, ऑरेंज, बहुत ज़्यादा डार्क ऑरेंज ले रहा हूँ, लेकिन कलर वो नहीं आ रहा, क्यों, वो कलर 101 बाय 101 लेयर्स को जितना भी कलर आसपास में सबको कंबाइन करके कलर निकाल के हमें दे रहा है। तो ये फोटोशॉप की बहुत एडवांस टेक्निक्स है जिसके जरिए आप कोई भी कलर को उसका मैशअप कर लें, उस सारे कलर्स को मिक्स करके कौन सा कलर हमारे पास आएगा वो कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।